हेलो दोस्तों, हम लोग काची इंटीग्रल फार्मूला पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो AKTU में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर कोड EAS 301 2019-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फार्मूला यूज करके इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना है। जहाँ पर सी क्या दिया है, वेयर सी इज़ द सर्किल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका। तो इंटीग्रल ओवर सी दिस एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको इसके फैक्टर कर लीजिए। तो कितना हुआ, जेड स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर हो गए, जेड माइनस वन, जेड प्लस वन डी जेड। और सी क्या दे रखे हैं, सी इज सर्किल हुज सेंटर इज जीरो एंड रेडियस इज 2, है ना। ठीक है, तो इस सर्किल को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, यहाँ जो सी दे रखे हैं, सी उस सर्किल की बाउंड्री होती है। तो सर्किल को अगर रिप्रेजेंट करें तो इस सर्किल का सेंटर क्या है, 0 0 और रेडियस 2। तो 0 0 सेंटर और 2 रेडियस, 1 2 रेडियस का एक सर्किल हो गया। और ये सर्किल, इसको हम लोग सी, इसकी जो बाउंड्री है इसी को सी बोलते हैं। यहाँ जो सी लिखा हुआ है इसी सर्किल की बाउंड्री है। इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इस सर्किल की इक्वेशन हो गई मॉड ऑफ सी, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद पोल्स निकालते हैं, यानी जहाँ पर ये एफ जेड पूरा टर्म एफ जेड कहलाता है। तो जहाँ पर एफ जेड इन्फाइनाइट हो रहा हो, इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर जीरो कर दें तो हमको पोल्स मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर जीरो करेंगे तो जब ये जीरो होगा तो जेड इक्वल टू 1, इसको जीरो करेंगे तो जेड इक्वल टू 1, और ये जीरो होने पर जेड इक्वल टू 3। तो पोल्स क्या हो गए, हियर जेड इक्वल टू 1 -1 -3 आर द सिंपल पोल्स। इन सब की पावर में 1 है इसलिए इसको सिंपल पोल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इन तीन पोल्स में जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 3, ये पोल में कौन कौन से पोल सर्किल के अंदर लाइज करते हैं। तो चलो इन तीनों पोल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जेड इक्वल टू 1 कहाँ है, देखिए जेड इक्वल टू 1 इधर, जेड इक्वल टू 1 इसका रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब रियल एक्सिस पे है। जेड इक्वल टू 1 का मतलब 1,0 पॉइंट हो गया। तो 1,0 ये पॉइंट हो गया और ये पोल हो गया। तो पोल के छोटे से सर्किल से राउंड कर देते हैं और इस सर्किल की जो बाउंड्री होगी उसको C1 C2 में से कोई भी कह लो। ठीक है, तो एक पोल ये हो गया। दूसरा पोल है जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब जेड इक्वल टू 1 का मतलब 1,0 पॉइंट। तो 1,0 ये पॉइंट हो गया और ये भी एक पोल है तो इसको भी सर्किल कर दो। तो सर्किल से पता लगता है कि ये पॉइंट पोल है। और जेड इक्वल टू 3, तो 1, 2 और 3, जेड इक्वल टू 3 एक यहाँ पर पोल है। तो देखिए इन तीनों पोल में से सर्किल के अंदर जो यहाँ सी दिया है उसके अंदर कौन कौन से पोल लाइज कर रहे हैं, इस सर्किल सी के अंदर दो पोल लाइज करते हैं। तो एक की बाउंड्री को C1 मान लो, एक को C2, कोई भी मान लो C1, चाहे इसको C1 इसको C2 या इसको C1 इसको C2 कुछ भी कर लीजिए। ठीक, अब ये बाहर वाले पोल से कनेक्शन ख़त्म, इसका कोई मतलब नहीं है। जो सर्किल के अंदर पोल होगा उसी को लेकर हम लोग आगे चलते हैं, जो बाहर होगा वो यूजलेस है। ठीक है, तो अब देखिए एक थ्योरम है एक्सटेंशन ऑफ काची इंटीग्रल थ्योरम। ये क्या कहलाती है कि इंटीग्रल ओवर सी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी जो है इसके ओवर इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 प्लस इंटीग्रल ओवर C2। ये काची एक्सटेंशन थ्योरम कहती है कि इसके अंदर जितने भी पोल हैं उसके ओवर इंटीग्रेशन प्लस करके लिख लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, ये जो सी है, जो सर्किल सी है जिसके अंदर ये लाइज कर रहे हैं, सी क्या होगा, जो दिया हुआ है इंटीग्रल में, इंटीग्रल की जो बाउंड्री दी है ना, सर्किल की जो बाउंड्री है वो सी। तो ये काची एक्सटेंशन थ्योरम कहती है कि इंटीग्रल ओवर सी इक्वल टू जितने पोल हैं उन सबको ऐड करेंगे तो इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डिजिट प्लस इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड डिजिट और होंगे, इसके अंदर और पोल होते हैं तो प्लस करके लिखते जाते हैं। तो देखिए इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डिजिट इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डिजिट प्लस इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड डिजिट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो इसको एफ जेड अपान जेड माइनस ए का फॉर्म लिखेंगे, यानी C1 किस पोल के लिए है, जेड इक्वल टू 1। तो जेड इक्वल टू 1 इसका मतलब जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जेड प्लस 1, यानी जो फैक्टर जेड प्लस 1 है उसको केवल अपान में रखेंगे, बाकी ये पोल किसके लिए है, जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला पोल है ये। तो इसका मतलब केवल इसी को डिनोमिनेटर में रखेंगे, बाकी टर्म को न्यूमरेटर में कर दिया। ठीक है, क्योंकि C1 इसके लिए है। ठीक है, इस पोल के लिए C1 यूज किए हैं
तो सी जिस पोल के लिए होगा वो वाला टर्म हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो जेड प्लस वन ये वाला पोल है सी वन, तो इसको अपान में रखें, बाकी सब न्यूमरेटर में कर दिया। तो थ्री जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन अपान ये दोनों न्यूमरेटर में चले गए, टोटल अपान जेड प्लस वन डी जेड। इसी तरीके सी टू किस पोल के लिए है, जेड इक्वल टू वन, इसका मतलब जेड माइनस वन इस पोल के लिए सी टू है, तो इसको अपान में रखेंगे, बाकी सबको ऊपर भेज देंगे, तो अपान में जेड माइनस वन हुआ और ये हो गया। तो इसके लिए एफ जेड का मान ये आएगा और दूसरे के लिए एफ जेड का मान ये हुआ, एफ जेड अपान जेड माइनस ए का फार्म हो गया दोनों, ठीक है। अब भाई काची इंटीग्रल फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है ना इसको, तो काची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, एफ ए इज इक्वल टू वन अपान टू पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड, है ना, ये फार्मूला होता है काची इंटीग्रल फार्मूला। इससे इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पाई आई इंटू एफ ए। तो देखिए ये इसी तरीके का इंटीग्रल लिखा हुआ है, एफ जेड अपान जेड माइनस ए, है ना, एफ जेड अपान जेड माइनस ए का फार्म है, तो ये पूरा ये वाला एफ जेड होगा, इसके लिए ये एफ जेड हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू काची इंटीग्रल फार्मूले से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पाई आई इंटू एफ ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, इसको जीरो करेंगे तो जेड की वैल्यू माइनस वन हुआ, जो पोल है माइनस वन, तो ये हुआ टू पाई आई इंटू एफ माइनस वन, है ना, टू पाई आई इंटू एफ ए। प्लस दूसरे के लिए पोल क्या है, जेड इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा टू पाई आई, दूसरे के लिए इसके लिए हो जाएगा टू पाई आई इंटू एफ वन, है ना, इसके लिए हो जाएगा एफ वन, टू पाई आई इंटू एफ वन। ये वैल्यू हम लोग किससे लिख रहे हैं, काची इंटीग्रल फार्मूला से, इससे इस इंटीग्रल की वैल्यू टू पाई आई इंटू एफ ए होगा, ठीक है। अब हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। अब देखिए इसमें f माइनस वन की वैल्यू निकाल लूँ, तो f माइनस वन कहाँ से निकालेंगे, ये हमारा एफ जेड होगा, ये एफ जेड होगा, इसी में z की जगह माइनस वन रख लूँ, तो माइनस वन का स्क्वायर मतलब थ्री हो गया, फिर माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया थ्री, थ्री माइनस वन प्लस वन अपान z की जगह माइनस वन रखना है, तो माइनस टू और प्लस टू, माइनस टू इंटू प्लस टू, है ना, तो और प्लस टू पाई आई, इसमें एफ जेड ये होगा और जेड की जगह वन रखना है, एफ वन चाहिए आपको, इस बार एफ जेड ये यूज होगा, ठीक है। तो एफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन थ्री प्लस वन प्लस वन अपान जेड की वैल्यू वन, टू इंटू फोर, टू इंटू फोर, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, ये हो गया फाइव अपान फोर, फाइव अपान एट, टू से टू कैंसिल, फाइव अपान फोर पाई आई, और इसमें देखिए वन वन कैंसिल, थ्री अपान माइनस का हो जाएगा, एक टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस थ्री अपान टू पाई आई। तो इसका इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम फोर हो गया, तो माइनस सिक्स प्लस फाइव और पाई आई अपान फोर, तो कितना हुआ, माइनस का पाई आई अपान फोर आ जाएगा, माइनस पाई आई अपान फोर, सही ना, माइनस पाई आई अपान फोर, एलसीएम ले लो तो फोर एलसीएम हो गया, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स हो गया, माइनस सिक्स प्लस फाइव का मतलब माइनस का वन बचेगा, तो माइनस पाई आई अपन फोर, ये आंसर हो गया। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। इस तरीके हम लोग काची इंटीग्रल फार्मूला यूज करके इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काची इंटीग्रल फार्मूले में, ये वाला फार्मूला यूज करके हम लोग इसको इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये लिखते हैं एफ जे डी जेड इंटीग्रल ओवर सी एफ जे डी जेड इक्वल टू, जितने भी पोल होंगे, इंटीग्रल ओवर सी वन एफ जे डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर सी टू एफ जे डी जेड प्लस, और अगर पोल होगा तो इंटीग्रल ओवर सी थ्री एफ जे डी जेड प्लस डॉट डॉट, ऐसे पोल लिख लेंगे। उसके बाद जिस पोल के लिए है वो वाला टर्म डिनोमिनेटर में रखेंगे, बाकी सबको एफ जेड में भेज देंगे, ऊपर हो जाएगा। दूसरा वाला जेड इक्वल टू, देखिए ये वाला पोल क्या है, जेड माइनस वन वाला पोल है ना, जेड माइनस वन जीरो करने पर जेड इक्वल टू वन आया था, जेड इक्वल टू वन, तो इसका मतलब जेड माइनस वन अपान में रखेंगे, बाकी एफ जेड पहुँचेगा। उसके बाद ये काची इंटीग्रल फार्मूला लगाया और इससे एफ माइनस वन एफ जेड ये होगा, एफ माइनस वन जेड की जगह माइनस वन रख लो इसमें, तो आपका एफ माइनस वन हो जाएगा, इसमें एफ जेड ये होगा, जेड की जगह वन रख लो तो आपका ये वैल्यू एफ वन की वैल्यू हो जाएगी, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इस तरीके प्रॉब्लम सॉल्व होती है काची इंटीग्रल फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बदलेंगे, यहाँ पर ये बाउंड्री अलग दे देंगे और ये एफ जे डी जेड अलग अलग होगा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक। थैंक यू।